अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशी ब्यूटी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आज की जो वीडियो है ये एक हेयर ऑयल पर है। तो हेयर ऑयल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो हेयर ऑयल तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हेयर्स के लिए, ताकि उनकी जो हेल्थ है और वो कायम रह सके और हमारे जो हेयर फॉल है वो भी जो है वो इतना रहे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने बालों पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी डाई करवा लें, कभी ये कलर करवा लें, तो बहुत ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं। तो हेयर ऑयल तो जो है वो मस्ट है, चाहे आप इसे नहाने से एक घंटा पहले लगा लें या ओवरनाइट लगाएं, लेकिन अप्लाई ज़रूर करें अपने बालों को ताकि वो कंडीशन हो जाए, अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। तो हमेशा बाल जो हैं वो आप जब हेयर ऑयल करते हैं, कोई भी ऑयल आप यूज़ करें, लेकिन एक अच्छा ऑयल जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके रिज़ल्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल जो हैं वो ऑनलाइन मंगवाए हैं, उनके अच्छे रिज़ल्ट भी मिले हैं, बहुत सारे हेयर ऑयल हैं, लेकिन कंपेयर करना होता है ना कि कौन सा ऑयल जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है, कौन सा ऑयल जो है उसने बस 50-50 ही काम किए। तो बहुत सारे ऑयल्स जो हैं वो मैं ऑनलाइन मंगवा के ट्राई करती रहती हूँ, बहुत सारे ऑयल्स जो हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। तो उनमें से एक ऑयल पर आज मैं आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ, और बाकी जो ऑयल जो मैंने ट्राई किए हैं और कर चुकी हूँ या वो भी मैं अपने यूज़ में रखती हूँ, तो उनको उनकी वीडियो भी मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों का रिव्यू भी जो है वो दूंगी। तो आज की जो वीडियो है ये है हेयर ऑयल ज़ोनानोज हेयर ऑयल। इसका इस ऑयल के बारे में आप लोग अगर इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इस ऑयल की जो है बहुत ज़्यादा ये ऑयल फेमस है इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत सारे लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ इस ऑयल के हैं। कोई भी एक रिव्यू आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस ऑयल के बारे में कि नेगेटिव वो हमें रिव्यू मिले, सारे ही पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। और मैं भी काफ़ी अरसे से सर्च कर रही थी एक अच्छे ऑयल के बारे में, इसको मैं नोटिस कर रही थी काफ़ी अरसे से, और फिर मैंने जब इतने अच्छे रिव्यूज़ देखे सबके तो मैंने भी इस ऑयल को ट्राई करना चाहा, तो मैंने इस ऑयल को मंगवाया। अभी 1 मंथ ही हुआ है इस ऑयल को मंगवाए हुए, और जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो ये कुछ इस तरह से की जो है इसकी पैकेजिंग, इस तरह की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ था। तो जब इसको ओपन करके देखें तो ये ऑयल जो है कुछ इस तरह से है। तो इसकी जो है ये पंप बोतल है, तो इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। इस ऑयल को मैंने 1 मंथ हुआ है अभी मुझे रिसीव हुआ, 1 मंथ से मैं इस ऑयल को यूज़ कर रही हूँ, वीक में मैंने 2 टाइम इस ऑयल को यूज़ किया है, और बिलीव मी इस ऑयल के इतने अच्छे रिजल्ट मिले जितने मैंने इसके रिव्यूज सुने थे उस पर ये पूरा उतरा है, मतलब कि मुझे इससे मायूसी नहीं हुई इस ऑयल को यूज़ करने के बाद। तो ये ऑयल जो है ये वॉल्यूम प्रोवाइड करता है आपके हेयर को, लेंथ प्रोवाइड करता है, इसके अलावा सॉफ्टनेस, और ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जब भी मैं इस ऑयल को अप्लाई करती हूँ और अब हेयर वॉश करती हूँ तो मुझे अपने हेयर जो हैं वो थिक थिक हेल्दी से फील होते हैं, जैसे वॉल्यूम जो है हेयर में इस तरह का लगता है। वरना कुछ ऑयल ऐसे होते हैं कि जब हम अप्लाई करते हैं तो वॉश करने के बाद बिल्कुल ही बाल जो हैं फ्लैट हो जाते हैं और वॉल्यूम नहीं लगता, वो सिल्की ज़्यादा हो जाते हैं, वॉल्यूम नहीं लग रहा होता, लेकिन ये बालों को इतना सॉफ्ट कर देता है कि इवन के कंडीशनर आप लोग नहीं भी लगाएंगे इस ऑयल के बाद तो उस पर कोई इशू नहीं होगा, आपके बाल उतने ही अच्छे रहेंगे। तो इस ऑयल से जो है आप लोग देख सकते हैं, इस ऑयल को मैंने हाफ बोतल यूज़ किया और बिलीव मी मेरा हेयर फॉल जो था मुझे इशू होता रहता है क्योंकि डाइस वगैरह करे हेयर कलर करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हेयर फॉल का इशू चलता रहता है। तो हेयर फॉल जो है मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया, मतलब कि अगर मेरा 80% हेयर फॉल था तो वो अब 20% रह गया, और वो तो नेचुरली चीज़ है ना कि जो हेयर फॉल है वो थोड़ा बहुत तो होता ही है, अब हमने कंघा करना होता है तो बाल जो हैं वो तो थोड़े बहुत तो गिरते ही हैं और न्यू ग्रोथ होती है हेयर की। तो इस ऑयल में जो है यहाँ पर उन्होंने अप्लाई करने का तरीका बताया है कि इसको आपने 3 से 4 आवर्स तक आपने इसको अप्लाई करना अपने हेयर पर रखना है, उसके बाद बालों को वॉश करना है। तो यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, जिनका ऑयली स्कैल्प है वो इसको ऑयल को 2 से 3 घंटे ही अपने बालों पर अप्लाई करें नहाने से पहले, उसके बाद हेयर को वॉश कर लें, और जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है, ड्राई हेयर हैं, डैमेज हेयर हैं, तो वो इस ऑयल को ओवरनाइट भी अप्लाई कर सकते हैं,
और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इस ऑयल के जो इंग्रेडिएंट हैं वो यहाँ पर मेंशन है, ऑर्गेनिक कोकोस न्यूसीफेरा ऑयल, और ये मुश्किल मुश्किल से नाम लिखे हुए हैं जो हैं आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इन ये ऑयल जो हैं इन सब का जो नेम है वो, ये तो कोकोनट ऑयल का नेम है और ये जो है आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल के जो नेम हैं, आई थिंक ये साइंटिफिक नेम है उनके जो यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी भी शामिल है विद द ब्लेंड ऑफ नैनोज फेवरेट हर्ब्स, तो बहुत सारी इसमें हर्ब्स जो हैं वो भी शामिल हैं। इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल जैसे लाइट सी स्मेल है, आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती, बिल्कुल लाइट स्मेल, जैसे वो मिट्टी की खुशबू आती है ना, जब हम मिट्टी गीली होती है तो हम गुजर रहे होते हैं और हल्की सी खुशबू, इस तरह से इसकी खुशबू है बहुत ही प्यारी, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती। कुछ लोगों को इशू होता है कि हेयर ऑयल की स्मेल से तो सर में दर्द हो जाता है, तो इस तरह की इसकी स्मेल नहीं है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। पंप बॉटल में आता है, जब मुझे रिसीव हुआ था तो यहाँ से थोड़ा सा ये टूट गया था। इसका जो टेक्सचर है ऑयल का वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस तरह से है, और ये जो ऑयल का कलर है लाइट सा, लाइट येलो सा कलर है क्योंकि डिफरेंट ऑयल जो हैं इसमें शामिल हैं। और इस ऑयल को जो है 1 मंथ मैंने यूज़ किया और मुझे मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो गया और बाल इतने ज़्यादा शाइनी और सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं कि आप लोग बिलीव करें इस ऑयल के जो रिज़ल्ट हैं उन पर। और अगर आप लोग इस ऑयल को ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें और लें। अगर आप लोगों को हेयर का कोई भी इशू चल रहा है, आपके बालों की लेंथ भी इससे इंक्रीज़ होगी बहुत जल्दी, तो इसका इंस्टाग्राम पर भी पेज है सोनानोज हेयर ऑयल के नाम पे, डिफरेंट बहुत सारी टिप्स भी देते रहते हैं इन्हें, तो आप लोग वो टिप्स भी इनकी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी इनका पेज है, तो 120 ml की ये बोतल जो है मुझे 800 rupees में मिली थी। 800 rupees इसकी प्राइस है, इसमें बड़ी बोतल भी आती है 240 ml की, वो आपको 1350 rupees की मिलेगी, और इसमें डिलीवरी चार्जेज जो थे वो मुझे 150 rupees एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़े थे। 950 rupees में ये ऑयल मुझे रिसीव हुआ था, और इस ऑयल को यूज़ जो मैं कर रही हूँ उसके बाद मैं इस ऑयल को कंटिन्यू रखूँगी और इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस ऑयल को ट्राई नहीं किया तो एक बार मेरे कहने पर इस ऑयल को लाजमी ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा ये रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।